आज भी 19 करोड़ की शेड लगने के बावजूद भी ये जो दाड़ पत्री लगी हुई है, ये जो बाहर से लोग आए अपने पैसे से लगाया इन्होंने और उसके बाद यहाँ पर आके बैठे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस और शर्म की बात है। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। हमसे तो पहले तो अभी झूठ बोला गया, पहले हम जाके जीएम साहब प्रधान साहब से मिलकर आए हैं, प्रधान साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हर चीज परफेक्ट है, लेकिन हम उनके मिलने के बाद उनकी बात सुनने के बाद हम घर भी गए, हम आए यहाँ पे दौरा किए, दौरा करने के बाद हमें ये मालूम पड़ रहा है, हमें ये देखने को मिला है कि अभी भी बहुत सारी चीजें की सहूलत नहीं है। आज डोनर मंडी में आप आए हैं, किस तरह की सुविधा जो है जो व्यापारियों को दिया गया है और आपको क्या आश्वासन दिया गया? देवनार में देखिए हर साल से हम लोग देखते आ रहे हैं कि 4 करोड़ से टेंडर शुरू हुआ था, आज 19 करोड़ तक पहुंच चुका है, लेकिन आज भी मैं देख रही हूं कि बाहर से जो व्यापारी आते हैं, जो बेचारे सोचते हैं देवनार हमारे मानखुर शिवाजी नगर की पहचान है, आज देवनार एक सबसे बड़ा, मैं समझती हूँ मुंबई का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है जहाँ पे बकरे लाके बेचे जाते हैं, और ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है और सबको पता है, पूरे प्रशासन को पता है कि ये कितना अहमियत वाला मुसलमानों का त्यौहार है और यहाँ पे क्या होता है, क्या होना चाहिए। आज भी 19 करोड़ की शेड लगने के बावजूद भी ये जो दाड़ पत्री लगी हुई है, ये जो बाहर से लोग आए अपने पैसे से लगाया इन्होंने और उसके बाद यहाँ पर आके बैठे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस और शर्म की बात है हमारे प्रशासन के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। इस स्कैम को रोकने के लिए हमने एक आज जीएम साहब से एक मांगनी रखी है और यही मांगनी हम कमिश्नर से रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस विधानसभा में अबू आसिम आजमी साहब इसकी आवाज पुरजोर तरीके से उठाएं कि 20 करोड़ का शेड अगर इस तरीके से लगाना हो तो वो 20 करोड़ का परमानेंट शेड लग सकता है, अगर वो हम लोगों को इजाजत दे और वो पैसे दे तो हम लोग परमानेंट शेड लगा के बताएंगे 20 करोड़ में ये टेम्पररी शेड लगेगा और उसके बाद ये निकल जाएगा। जबकि आप देखेंगे कि इस मंडी में, ठीक है बकरा ईद में तो बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वीकली भी मंडी लगती है यहाँ पर, जहाँ से बाहर से बकरे आते हैं और यहाँ पे बड़े पैमाने में मंडी लगती है और वो सारे बकरे धूप में खड़े रहते हैं और लास्ट में वो इतने थक जाते हैं कि बेचारे आनंद फानंद जो भी उनको रेट मिलता है वो रेट में दे के किसी तरह से अपने गाँव घर चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि प्रशासन की लापरवाही है, किसानों के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है और इसके लिए हम लोगों को वर्क करने की जरूरत है। देखिए 2.5 साल से कॉरपोरेशन के इलेक्शन नहीं हुए, अगर कॉरपोरेशन के इलेक्शन होते तो कॉरपोरेशन में हाउस में जब बातें उठती है तो ये लोग थोड़े डरे हुए रहते, लेकिन आज वहाँ पे आवाज उठाने वाला कॉरपोरेशन में कोई नहीं है, सारे नगर सेवक सब अपने अपने घर है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इनका मन बहुत बड़ा हो गया है और 20 करोड़ के टेंडर में भी अगर इस तरीके से काम हो रहा है तो ये बड़ी लापरवाही है। लेकिन इलेक्शन हो नहीं हो, हम नगर सेवक रहे नहीं रहे, लेकिन हम लोग जो जायज बातें वो उठाते रहेंगे और अब क्या आप विधानसभा में देखेंगे कि ये आवाज जरूर उठेगी। मैडम आप महिला है, इसमें कुछ महिला व्यापारी भी देखी गई है, महिलाओं के लिए क्या सुख सुविधा बीएमसी की तरफ से? सर महिलाओं को अलग से कहाँ देखे जाते हैं, तो सिर्फ व्यापारी देख रहे हैं। टॉयलेट भी मैंने अभी इनसे पूछा तो मेरे ख्याल में 86 कुछ टॉयलेट है, टेम्पररी टॉयलेट है और 150-200 के करीब सिक्योरिटी है, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं है जो होनी चाहिए। और ये बाड़े जिसने अपना शेड मिल गया लगा लिया, बहुत सारे आप देखेंगे कि बकरे रोड पे खड़े हुए हैं, आप उधर दिखाइए थोड़ा सा हटो, ये बकरे रोड पे खड़े हुए हैं और जब इनसे पूछा गया कि अब बारिश आएगी तो आप लोग क्या करेंगे, तो उनका एक ही कहना है कि हम तार पत्री 4 जन लेंगे और खड़े हो जाएंगे, तो बेचारे वो व्यापारी खड़े रह के भीगेंगे और अपने बकरे बचाएंगे, तो इससे बढ़कर हमारे लिए शर्म की क्या बात हो सकती है। मुंबई महानगर पालिका जो कि सबसे सर्वशक्तिशाली नगर पालिका कहलाता है और वहाँ उसके आड़ में अगर इस तरीके का स्कैम होगा तो इसका हम लोग निषेध करते हैं और विरोध करते हैं और प्रशासन से मांगनी है कि आते साल इसके सारे परमानेंट शेड बनाए जाए, उसका टेंडर निकाला जाए और कोई अदर व्यक्ति को दिया जाए, हर बार ये चुना वाला टेंडर लेके जाता है, क्या वजह इसकी? इसकी वजह मैं एक ही समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा घोटाला है और ये इनसे बता देना चाहती हूँ कि ये पब्लिक का पैसा है, ये अपनी जेब से नहीं देते हैं 20-20 करोड़ रुपए, जो हमारे टैक्स पेयर रहते हैं ये उनका पैसा है, तो पब्लिक का पैसा पब्लिक के हित में लगना चाहिए, इनकी जेबें भरने का काम मत करो, जो काम सही है वो करो, वरना आप देखेंगे जो अभी मोदी सरकार का हुआ उससे बुरा हाल यहाँ पे हो जाएगा। देखिए पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सबको बताई थी मुबारकबाद पेश करूंगा और ये कहना चाहूंगा कि देवनार हमेशा की तरह ये साल भी मेरे हिसाब से फेलियर ही लग रहा है, लेकिन पहले से कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। जैसे अभी हमने देखा कि जो शेड बार बार शेड की बार बार कालाबाजारी होती है, इसका टेंडर होता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा मुंबई कमिश्नर साहब को, बीएमसी कमिश्नर साहब को और यहाँ की जो पार्टियां हैं जो जिम्मेदार है उन तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि हर साल 19 करोड़ 17 करोड़ 15 करोड़ का टेंडर होता है, भाई ये क्यों होता है?
ये किस लिए होता है, ये जनता का पैसा क्यों जाके खर्चा किया जा रहा है? अगर इस पैसे को खर्ची करना है तो एक ही बार में महाटेंडर करके एक साथ में ही कर दो, कम से कम 15-20 साल तक चले हो, 15-20 साल तक चलेगा तो पैसा बचेगा। और जैसे अभी हम लोगों ने सहूलत देखा भाई, सहूलत यहाँ पे कुछ नहीं, जो अभी बताए एक अभी हम लोग राजस्थान के भाई मिले, क्या नाम है, नीलेश भाई ने बताया कि 48 घंटे के बाद उनके बकरे बाहर खड़े थे, 48 घंटे के बाद उनको एंट्री मिली है और अभी तक उनको बाड़ा नहीं मिला है। अभी बारिश का मौसम है, बारिश हो जाएगी उनके बकरे भीग जाएंगे और भीग के बीमार हो जाएंगे और बीमारी में क्या होगा, इनके जो भाव है एकदम भाव गिर जाते हैं। तो हम ये सरकार से और बीएमसी से अपील करना चाहेंगे कि इनको अच्छी से अच्छी सहूलत दी जाए, इनको बेहतरीन से बेहतरीन सहूलत दी जाए और ये काला बाजारी बंद हो। सबसे बड़ी बात कि अभी तक नीचे की जो फ्लोरिंग बनती है ये पीसीसी के अंदर अच्छी है, अभी तक वो सब भी नहीं हुई है और जो शेड बनना चाहिए वो शेड भी नहीं पूरी तरह बना है। मेरे हिसाब से ना 30% बकरे अभी भी बाहर है, 30% बकरे बाहर मौजूद है, रोड पे खड़े हैं, जो ऊपर एक छत नहीं एक शेड नहीं है, इसके लिए प्रशासन क्या जवाब देगी? आप आए हुए आपके व्यवस्थापक से मिले जो देवनार के हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हमसे तो पहले तो अभी झूठ बोला गया, पहले हम जाके जीएम साहब प्रधान साहब से मिलकर आए हैं, प्रधान साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हर चीज परफेक्ट है, लेकिन हम उनके मिलने के बाद उनकी बात सुनने के बाद हम घर भी गए, हम आए यहाँ पे दौरा किए, दौरा करने के बाद हमें ये मालूम पड़ रहा है, हमें ये देखने को मिला है कि अभी भी बहुत सारी चीजें की सहूलत नहीं है। अभी हम प्रधान साहब से मिलेंगे और यहाँ की जो जिम्मेदार से लोगों से मिलेंगे और बोलेंगे कहेंगे कि हम वापस से हमारे साथ में 3 दिन के बाद सर्वे करो और ये काम जो जो नहीं हुआ है उस काम को जल्द से जल्द करके दिया जाए। कहाँ से आए और आपका नाम क्या है और क्या क्या तकलीफ आपको हो रहा है? मेरा नाम यूसुफ खान है, हम लोग अजमेर से आए, जगह बराबर नहीं है, पूरा कच्चा जगह है, बाड़ा बराबर नहीं है, बकरा मट्टी में खड़ा है, पानी में खड़ा है, बहुत तकलीफ है इधर, चेक भी नहीं है। क्या मांग करना चाहेंगे जो प्रशासन है महानगर पालिका का? मांग करना चाहेंगे हम जगह बराबर दीजिए और लाइट दीजिए, पानी दीजिए, और क्योंकि इतना पैसा भर के आए हम मंडी में, गाड़ी का भाड़ा भर के आए 1.5 लाख रुपया, तो हम लोग कोई सुविधा नहीं है इधर। दवा लूँ मैं, मेरी दो ही गाड़ी उतरी है, 2 से पहले उतरे ने, 100 बकरे यहाँ उतरे ने, इसको जगह नहीं है। कुंसे के बारे में अगर हमने जगह करने गए तो उन लोग नफड़ा करते, सर मारा मारी करते, और हम लोग ऐसा गाड़ी खड़ा करेंगे तो ये वॉचमैन लोग आते हैं डायरेक्ट बकरे भगाते, गटर में गिरा देते, लंगड़े पंगड़े कर डालते, पैसे ले गए 180 रुपये, हमने 180 रुपये भर के फिर आया बकरान पर, जब भी इतना हम लोग को तकलीफ है। प्रशासन जो है यहाँ के जो डीन है देवनार के, उनसे क्या मांगनी करना चाहेंगे? मैं ये मांगनी करना चाहता हूँ कि जब पक्का ये बनाए शेड पक्का बनाए ये, कि बार बार तुम हमेशा का तुम खाली पैसा खाने वाला काम करते हैं, इन लोग 10-10 करोड़ टेंडर में घलाते और 10 करोड़ इन लोग खाते हैं अंदर, पक्का बनना चाहिए हमेशा वाला, ये क्या करते हैं 10 करोड़ खाते हैं, 10 करोड़ वो उन लोग खा जाते हैं, ऊपर वाले 10 करोड़ टेंडर वाले को देते हैं। क्या करना चाहेंगे आज यहाँ बकरा लेके आए हैं, क्या क्या सुख सुविधा मिला है देवनार के बकरा मंडी? जैसे बकरा लेके आए सर हमने, तो बिल्कुल आखिर रात तरपाल के नीचे बीज रहे बकरा, बीज रहे छुड़ा रहे बकरे, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा, मतलब बाहर जैसे अंदर के साइड पर तीन लगे वो तो आराम है, मर गए बकरे, कल ही मर गए बकरे, बताओ थोड़ा हो गया, मर गए क्या करेगा?